इसको अपन लोग है ना, तू एकदम फिक्स रहना पैरों पे, पैरों पे एकदम फिक्स है ना, एकदम अंगद के पैर बना ले आपने, ठीक है। तो रावण अंगद के पैर क्यों नहीं हिला पाया था? डमी नहीं था रावण, नहीं था। तुम्हारे सारे कंसेप्ट खराब है भाई साहब। अरे वो मेरे को पता है, पर कोई भी क्यों नहीं हिला पाया था? थोड़ा इधर ले आऊं सर, अब ठीक है? हाँ, दम नहीं था। बाली का बेटा था, एकदम पैर एकदम फिक्स रखना, ठीक है। अब मैं इस पे है ना फोर्स लगा रहा हूं, ये अंगत थोड़ी है। है ना, इस पे फोर्स लगा रहा हूं। अच्छा तू ऐसा कोशिश करना कि तू सरके, मैं तेरे को धक्का मारूं तो पैर सरका लेना, है ना, गिरने की कोशिश मत करना, फिक्स मत कर पैरों, ठीक है। चल सरक रहा है ना, सरक गया तो हम कभी कभार फोर्स लगाते हैं तो लोग क्या हो जाते हैं, सरक जाते हैं। अब अपने पैर एकदम फिक्स रखनी चाहिए, ठीक है, फिक्स रखना, मैं धक्का दूंगा गिरना मत पर, है ना। घूम रहे क्योंकि पैर फिक्स है, घूम क्यों रहे क्योंकि पैर उसने फिक्स कर रखा है, ठीक है ना। अब ये रोटेटरी मोशन हो गया ना फोर्स का, नजर नहीं आ रहा, ये देख, ये कौन सा मोशन है फोर्स का, रोटेटरी। वापस आ, जा कहां रहे, नहीं खड़ा रहे, एकदम पैर दबा के रख जमीन पे, एकदम ऐसे ही हूं, थोड़ा सा नीचे झुक जाना ऐसे, हाँ एकदम, अब दम लग रहा है ना नीचे। अब ये देख, बढ़िया रोटेट हो रहा है, देखो रोटेशन देख रहे हो इसका, ठीक है ना। अब यही अगर मैं इसको मान ले यहां से धक्का मारता तो ये चलने लगता, खिसक गया ना इसका पैर, अरे खिसक रहा है ना, तो फोर्स के दोनों इफेक्ट है। अच्छा क्या हर फोर्स पे घूम रहा है? हर फोर्स पे तो नहीं घूम रहा, अभी भी फोर्स लगा रहा हूं, घूम नहीं रहा, 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 अब घूमा, एक फोर्स ऐसी आएगी जिसके ऊपर पलट जाएगा, हर फोर्स पे तो नहीं हो रहा है ऐसा, वो वाली फोर्स कौन सी होगी और वो फोर्स कैसे निकालें कि उस फोर्स की वैल्यू क्या है? तो असल में पता है क्या होता है, जैसे मान ले इसके यहां पर नॉर्मल है, अभी इसका एमजी नीचे और नॉर्मल यहां से ऊपर लग रहा है, एकदम इसकी बॉडी की एक्सिस से पास होते हुए ऐसे जा रहा है, सर के बीच में से निकलता हुआ, और एमजी यहां से यूं नीचे लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? अब उस केस में क्या होगा, जब मैं ऐसे यूं धक्का मार रहा हूं तो क्या एमजी की पोजीशन बदल जाएगी? नहीं, बावड़े हो क्या, एमजी तो हमेशा वहीं रहेगा जहां लगता है, एमजी अपनी पोजीशन नहीं बदलता, नॉर्मल क्या करता है, अपने आप को शिफ्ट करता है, कौन शिफ्ट करता है, वो बोलता है कि एमजी का जो टॉर्क लग रहा है उस वाले टॉर्क को बैलेंस करूंगा। जब मैं नॉर्मली खड़ा हुआ हूं तो नॉर्मल एमजी बैलेंस्ड है, हमारे टॉर्क भी बैलेंस्ड है, तो इसीलिए मेरे ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो, नेट टॉर्क क्या है, जीरो, सब कुछ जीरो है, एकदम मजे में खड़ा हुआ हूं। पर जैसे ही किसी ने आके मेरे पे फोर्स लगाई, मैं घूमा, पर हर फोर्स पे पलटा तो नहीं ना, हर फोर्स पे क्यों नहीं पलटा, क्योंकि मेरे एमजी का जो टॉर्क है उसको नॉर्मल जो है उसने अपनी जगह से शिफ्ट होना शुरू कर दिया, वो बोली कि मैं शिफ्ट होके जाती हूं दूसरी तरफ, क्योंकि एमजी का टॉर्क अगर तुम्हें अंदर की तरफ घुमा रहे तो नॉर्मल का टॉर्क का डायरेक्शन बाहर है, यस और नो? और इसी कारण से क्या होगा, मैं बैलेंस रहूंगा, घूम तो सकता हूं थोड़ा सा पर पलटूंगा नहीं, समझ गए, हल्का सा घूम जाऊंगा और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाऊंगा। इसी चीज से हम लोगों को टॉपलिंग समझनी है। तो नॉर्मल की जब शिफ्टिंग होती है ना, और जब नॉर्मल मेरी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, कोई फोर्स बढ़ाता गया तो एक लिमिट है ना, मान ले यहां से लेके यहां तक, मान ले ये वाली डिस्टेंस जो है ये 20 सेंटीमीटर है, तो मेरा नॉर्मल 20 सेंटीमीटर ही तो शिफ्ट हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कितनी फोर्स लगा रहा हूं, बहुत ज्यादा फोर्स लगा ली तो नॉर्मल खटाक से शिफ्ट होकर बाहर निकल जाएगा, वो बोलेगा इससे ज्यादा तो मैं जा ही नहीं सकता, मेरी बॉडी से बाहर मेरा नॉर्मल लगेगा क्या, कि वहां नॉर्मल लग रहा है और मैं पलट नहीं रहा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नॉर्मल अपने आप को शिफ्ट करता है यहां तक, उसके बाद उसकी औकात हो जाती है खत्म, और इसी कारण से बॉडी फिर पलटी मार जाती है। बात समझ में आ गई? तो इसके साथ भी वही हो रही है, सीधा तो खड़ा रहे, अब समझ में आ गया ना सबको क्यों घूम रहा है और क्यों चल रहा है, तो यही फंडा है। धन्यवाद बहुत बहुत।